हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं हूं तो आप देख रहे हैं अमित सैनिक एक्सपेरिमेंट। सो गाइस, तो आप लोग देख सकते हैं कि हमारे हाथ पे यहां पर एक बेबी पैंपर्स है। अबे साले, तभी मैंने माफ इसको यूज कहां पर किया था। अगर कोई बच्चा टॉयलेट कर लेता है तो इसको ये पहनाने के लिए यूज किया जाता है। और इसमें एक ऐसा सिस्टम होता है कि अगर बच्चा टॉयलेट कर लेता है या कुछ भी कर लेता है तो उसके अंदर जो इसका पानी होता है वो सीधा सोख लेता है और पानी पता भी नहीं चलता कि उसका पानी कहाँ गया। तो आज के इस वीडियो में हम इसी चीज़ को जानने वाले, इसी चीज़ को देखने वाले हैं कि आखिर में अगर बच्चा टॉयलेट करता है तो वो कहाँ पर जाता है, इसके अंदर ऐसा कौन सा सिस्टम फिट होता है, ऐसा कौन सा केमिकल या इसके अंदर ऐसा क्या चीज़ फिट होता है जिसके कारण वो पानी मुझे देखने को नहीं मिलता, सारा पानी इसके अंदर सोख जाता है। तो आज के इस वीडियो में इसी चीज़ को देखने वाले हैं। तो हम लोग क्या करें, इसको पूरा फाड़ के देखेंगे, इसको पूरा चीरेंगे और देखते हैं इसके अंदर क्या होता है, उसके बाद पानी डालेंगे और देखते हैं कि कितना पानी ये सोख लेता है। तो आप लोग प्लीज इस वीडियो को एंड तक देखें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपको ऐसी एक्सपेरिमेंट वीडियो मिलती रहेंगे। चलिए गाइस, आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। सो गाइस, तो आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारे पास एक नहीं बल्कि यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर पैंपर्स हैं, जो कि आप लोग देखते हैं ये सारे बेबी पैंपर्स हैं। और ये आपको मार्केट में 12 रुपए का एक मिल जाएगा, जो कि यहाँ पर इसका MRP लिखा हुआ आप लोग देख सकते हैं। हम मालूम है तेरे बाप को मत सिखा चल। और यहाँ पर इसके बारे में जानकारी पीछे दी गई, अगर आप लोग चाहें तो इसको पढ़ सकते हैं, बट ये मेरे कोई काम की नहीं। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको सीधा सबसे पहले फाड़ लेते हैं और यहाँ पर इसको देखते इसके अंदर क्या होता है। तो आप लोग भाई साहब देख सकते हैं, ये कुछ इस प्रकार का पैंपर्स होता है, जो कि आप लोग देख सकते हैं। इसको छोटे बच्चे को पहनाया जाता है और वो जो अगर टॉयलेट करता है तो सारा पानी इसके अंदर सोख लेता है और यहाँ पर पता भी नहीं चलता है। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास एक ब्लेड है, ब्लेड के माध्यम से यहाँ पर इसको यहाँ पर चीड़ के देखते हैं कि इसके अंदर होता क्या है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने इसको यहाँ पर फाड़ दिया है। इसमें देख सकते हैं ये कुछ इस प्रकार का इसमें निकल रहा वाइट, जो कि यही शायद इसमें पानी सूखता है। ठीक है, तो इसको हम निकाल लेते हैं सबसे पहले। सो गाइस, तो आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर हमने एक यहाँ पर पैंपर्स को यहाँ पर पूरा फाड़ दिया है और इसके अंदर मुझे कुछ वाइट कलर का यहाँ पर निकला हुआ, जो कि इसमें अंदर कोई केमिकल आया है। तो यहाँ पर सभी को फाड़ के देखते हैं, उसके बाद इसमें पानी डालकर देखते हैं कि ये कितना पानी सोख लेता है। ठीक है, A few minutes later. तो आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर हमने सभी पैंपर्स को फाड़ के यहाँ पर उसका केमिकल निकाल लिया है। अब क्या करेंगे, यहाँ पर हमारे पास वाटर की बोतल है, हम लोग क्या करेंगे इसमें वाटर डालते हैं और देखते हैं कितना पानी तक सोख लेता है। ठीक है, तो हम यहाँ पर अपने बोतल के ढक्कन खोलते हैं और यहाँ पर डालते हैं और देखते हैं यहाँ पर क्या होता है। ओ भाई साहब, तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर हमने इतने पानी को डाल दिया, यहाँ पर अभी इसका कोई रिएक्शन नहीं है, ये सारा पानी इसमें सोख लेते हैं। और आप लोग देख सकते हैं हम जितना यहाँ पर पानी को डाल रहे हैं, ये सारा पानी इसके अंदर सूख रहा है, यहाँ पर कोई रिएक्शन नहीं हो रहा। हम इसको और डाल के देखते हैं। ओह माय गॉड, आप लोग देख सकते हैं भाई साहब इसमें हमने कितना ज्यादा पानी को डाल दिया और आप लोग देख सकते हैं इसमें सारा पानी सूख रहा है, सारा पानी को ये समा चुका है। और आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर इसकी लेयर कैसी बन रही है, हमने यहाँ पर आधा लीटर से ज़्यादा इसमें पानी को डाल दिया है। और पानी यहाँ पर डालते हैं। ओह माय गॉड, आप लोग देख सकते हैं पानी जरा सा भी यहाँ पर बह नहीं रहा, सारा पानी यहाँ पर सूख रहा है। देख सकते हैं कि यहाँ पर हमने पूरा का पूरा 1 लीटर पानी इसमें डाल दिया है और आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर कैसा पानी को सोख चुका और यहाँ पर जैसा बन चुका है, आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर बर्फ के जैसा यहाँ पर बन चुका है। और आप लोग देख सकते हैं इसका रिएक्शन यहाँ पर कैसा हुआ है। तो आप लोग देख सकते हैं जो यही होता है, यही हमारे पानी को सोखता है, जो इसके अंदर जो यहाँ पर ये केमिकल पड़ा हुआ है आप लोग देख सकते हैं, ये एकदम बर्फ के जैसा यहाँ पर बना। और आप लोग देख सकते हैं ये सारा पानी 1 लीटर पूरा पानी था यहाँ पर इस बोतल में, 1 लीटर पानी पूरा सोख चुका है। और आप लोग भाई साहब देख सकते हैं, मुझे विश्वास नहीं हो रहा था कि पैंपर्स इतना ज़्यादा पानी सोखता है, तो ये काफ़ी अमेजिंग था। और आप लोगों ने देखा कि यहाँ पर सारा पानी इसके अंदर सोख चुका है। अगर आपको वीडियो पसंद आए प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपको ऐसी एक्सपायर वीडियो मिलती रहेंगी। आपको किसी भी टॉपिक पे कोई वीडियो चाहिए आप लोग कमेंट बॉक्स में टाइप कर सकते हैं, हम आपको उस टॉपिक पर जरूर वीडियो देंगे। बहुत बहुत फ्रेंड्स, जय हिंद।